इसी तरीके से इलेक्ट्रोफोरेटिक डिस्टेंसेस, अमाइनो एसिड सीक्वेंस वेरिएशन डीएनए हाइब्रिडाइजेशन या डीएनए और आरएनए सीक्वेंस के अंदर जो डिफरेंस है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले हम अमाइनो एसिड सीक्वेंस की बात करते हैं अगर हम डिफरेंट स्पीशीज को कंपेयर करें और डिफरेंट स्पीशीज के अंदर प्रोटीन्स का हम कंपैरिजन करें तो प्रोटीन के अंदर जो अमाइनो एसिड का जो सीक्वेंस है वो ऐसी स्पीशीज जो कि क्लोजली रिलेटेड होती हैं उनके अंदर अमाइनो एसिड का जो सीक्वेंस है उसके अंदर जो वेरिएशन है वो बहुत कम होती है लेकिन अगर एक स्पीशीज के जो मेंबर्स हैं उसका जो अमाइनो एसिड सीक्वेंस अगर उसी स्पीशीज के किसी डिस्टेंटली रिलेटेड ग्रुप के साथ हम करें तो वहाँ पे हम वाजे डिफरेंस नोट कर सकते हैं तो ये जो हमारे के अंदर जो सीक्वेंस वेरिएशन है इस करेक्टर को यूज करके हम स्पीशीज को एक दूसरे से सेपरेट कर सकते हैं इसी तरीके से डिफरेंट स्पीशीज के अंदर जो डीएनए का जो स्ट्रक्चर और डीएनए के अंदर जो न्यूक्लोटाइड की जो कंपोजिशन होती है वो वेरी करती है आर का स्ट्रक्चर या डी का स्ट्रक्चर इसको कंपेयर करके हम डिफरेंट स्पीशीज के अंदर हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं और इस करेक्टर को हम स्पीशीज आइडेंटिफिकेशन के अंदर यूज कर सकते हैं इसी तरीके से डिफरेंट स्पीशीज के अंदर अगर हम डिफरेंट प्रोटीन खासतौर पर जो एंटीबॉडीज हैं या तमाम ऑर्गेम्स के अंदर जो डिफरेंट इम्यूनोलॉजिकल प्रोटीन्स हैं उसका हम कंपैरिजन करें तो जो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज हैं उसकी जो प्रोटीन कंपोजिशन है वो सेम होती है और जो डिस्टेंटली रिलेटेड ऑर्गेजम्स होते हैं उनके अंदर डिफरेंस मौजूद होते हैं इसी तरीके से अगर हम इलेक्ट्रोपेटिक डिफरेंसेस की बात करें अगर हम हमारे पास डिफरेंट मेंबर्स या डिफरेंट स्पीशीज के जो मेंबर्स हैं उसका एक सैम्पल है उसकी जब हम जेल रन करते हैं और वहाँ पे हम प्रोटीन के बैंड्स को जब कंपेयर करते हैं तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि क्लोजरी रिलेटेड होते हैं उनका जो बैंड का पैटर्न है वो एक दूसरे से मैच करता है लेकिन जो डिस्टेंटली रिलेटेड ऑर्गेजम्स होते हैं उनका प्रोटीन पैटर्न बैंड पैटर्न वेरी करता है दो के मुख्तलिफ स्पीशीज के जो मेम्बर्स हैं उसके अंदर ये बैंड पैटर्न डिफरेंट होता है लेकिन क्योंकि तमाम जो ऑर्गेनिजम्स हैं बेसिकली उनका ओरिजन किसी एक ही ऑर्गेनिज्म से हुआ है उनका एंसेस्टर एक है लिहाजा उनके अंदर बहुत सारी प्रोटीन्स ऐसी भी होती हैं जो कि सेम हैं जो कि कंजर्व होती हैं इसी तरीके से जो डीएनए हाइब्रिडाइजेशन है ये डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो जेनेटिक डिस्टेंसेस हैं उसको स्टडी करने के अंदर हेल्प करता है इस टेक्निक की बेस के ऊपर हम जेनेटिक वेरिएशन फाइंड कर सकते हैं या जेनेटिक सिमिलैरिटी कि कौन से ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो जेनेटिकली सिमिलर हैं और कौन से ऑर्गन ऐसे हैं जो कि जेनेटिक डिस्टेंस ज़्यादा रखते हैं और वो एक दूसरे से डिस्टेंटली रिलेटेड हैं तो ये वो मोलेक्र या बायो केमेस्ट्रिक करेक्टर्स हैं जिनकी मदद से हम स्पीशीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम उनका प्रोटीन का कंपैरिजन कर सकते हैं हम उनकी इलेक्ट्रोफ्रेटिक जो प्रोफाइल है उसको कंपेयर कर सकते हैं हम उनका डीएनए और आरएनए उसको कंपेयर कर सकते हैं उनके अंदर सिमिलैरिटीज़ या डिफरेंसेस को स्टडी कर सकते हैं इसी तरीके से हम ऑर्गेजम्स के अंदर जो जेनेटिक डिस्टेंस है उसको कंपेयर करके अंदाज़ा कर सकते हैं कि ऑल दो आया के ये जो ऑर्गेनिज्म है वेदर दे आर सेम और दे आर डिस्टेंटली रिलेटेड